हेलो, वेलकम फ्रेंड माय चैनल ज्योति कैड। इस वीडियो में हम एक रिंग बनाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं यहां से फ्रंट व्यू में आऊंगी, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहां से रिंग का साइज ले लिया। सबसे पहले मैं यहां से इसकी लेंथ निकालूंगी और लेंथ को मैं यहां पे 1 सिंगल लाइन लूंगी और इस लेंथ को, जितनी मेरी लेंथ है, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया और राइट क्लिक कर दिया, ठीक है। इस लाइन को मैंने ये ब्लू वाला कलर दिया और इसको मैं यहाँ से सेंटर में ले आई, ठीक है। अभी जो ओरिजिनल रिंग रेल है उसको मैंने हाइड किया। टॉप व्यू में आऊंगी, जो भी मैं डिजाइन बनाऊंगी वो टॉप व्यू में बनाऊंगी, ठीक है। इस पर हम एक ब्रेड डिजाइन बनाएंगे, ठीक है। ब्रेड डिजाइन बनाएंगे, जो महिलाओं की जो चोटी होती है उसका जो डिजाइन होता है वो डिजाइन बनाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए अभी इस ब्लू कलर को भी मैं हाइड करती हूँ, एक लाइन ले लेती हूँ, 0 एंटर और यहाँ पे मैंने कर दिया 7 एंटर, ठीक है। 7 mm की मैंने लाइन ले ली। अभी देखो इस लाइन को मैंने यहाँ से रीबिल्ड कर देना है 11 पॉइंट से, ठीक है। 11 पॉइंट से जब हम इसको रीबिल्ड करेंगे ना और पॉइंट्स ऑन करेंगे तो देखो सारे जो पॉइंट्स हैं उनका गैप सेम है, खाली इसको और इसको छोड़ के, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स मैंने यहाँ से डिलीट कर देने हैं, ठीक है। अभी देखो आप इनका डिस्टेंस देखो, यहाँ पे सबका यहाँ पे सेम डिस्टेंस है, 0.88 और यहाँ से भी है 0.88, ठीक है। अभी देखो मैंने यहां से 1, 2, 3 पॉइंट सिलेक्ट किए, 1 पॉइंट बच गया और 3 पॉइंट हमारे यहाँ पे बचेंगे और 2 ये एंड पॉइंट है, ठीक है। 3 पॉइंट मैंने सिलेक्ट किए, ठीक है। इनको मैं यहाँ पे लेके जाऊंगी, मैं लेके जाऊंगी यहाँ पे 0.7 अप, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे अप कर दिया 0.3 अप, ठीक है। इसी तरह से ये अपोजिट, ठीक है। ये बीच वाला पॉइंट हो गया और इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊंगी -0.7 और इसको हम लेके जाएंगे यहाँ पे -0.3, ठीक है। देखो ये इस तरह से बन गया हमारे पास, ठीक है। अभी देखो वापस से पॉइंट्स ऑन किए और यहाँ पे मैं इसको फोर व्यू करके आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। अभी देखो ये मैंने यहाँ से ये फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट किया यहाँ से और 1, 2, 3 पॉइंट छोड़े और ये पॉइंट सिलेक्ट किया, ठीक है। ये और ये पॉइंट्स मैंने सिलेक्ट किया और इनको मैंने यहाँ से लेके चली गई -0.5 डाउन, ठीक है। देखो ये कुछ इस तरह से हमारे पास ये शेप बनेगी, ठीक है। अभी इस तरफ से ये वाला पॉइंट सिलेक्ट किया, 1, 2, 3 पॉइंट सिलेक्ट किया और एक ये वाला पॉइंट सिलेक्ट किया, इनको हम यहाँ से अप ले लेते हैं 0.5 अप, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारी ये शेप राइट व्यू में बन के आएगी, ठीक है। पॉइंट्स ऑफ कर दिए और इसको मैं एक बारी के लिए यहाँ से वापस से रीबिल्ड कर देती हूँ और यहाँ पे मैं इसको ओके कर देती हूँ, ठीक है। अभी देखो जो ये है हमारे पास, ये लाइन है हमारे पास यहाँ पे 7 mm की, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अभी देखो इसको मैं यहां से कर दूंगी, अरे लीनियर, ठीक है। यहां से मैं आइटम सिलेक्ट करूंगी, यहां से मैंने आइटम सिलेक्ट किए 15, ठीक है। यहां से लेकर और यहां तक, ठीक है। इन सब को मैंने यहाँ पे जॉइन कर लेना है, ठीक है। जॉइन कर लिया हमने इसको और इसको मैं यहाँ से कर दूंगी रीबिल्ड 100 पॉइंट से, ठीक है। ये हमारा रीबिल्ड भी हो गया। लाइन थी वो हमारे पास यहाँ पे 7 mm की थी, ठीक है। इसको देखो मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने जो मेजरमेंट है वो दिया 7/3 एंटर शिफ्ट,
और फ्रॉम लास्ट पॉइंट यूज लास्ट डिस्टेंस, एक बारी और, थ्री टाइम्स कर दिया हमने ये। देखो ये हमारे पास यहाँ पे जो चोटी होती है उसका डिजाइन बन के आ गया, ठीक है। अभी दिखा देती हूँ मैं आपको, इसको मैं यहाँ से कर दूंगी पाइप और इसको मैं यहाँ से कर दूंगी वन, एंटर। तो देखो अभी प्रोस्पेक्टिव व्यू में दिखा देती हूँ, ठीक है। आप इसकी थिकनेस यहाँ पे अगर कम ज्यादा करोगे तो आपको ये जो गैप है वो कम दिखाई देगा, आप इसकी थिकनेस भी यहाँ पे चेंज करके देख सकते हैं, देखो। और ज्यादा अप डाउन रखना है आप यहाँ पे अप डाउन भी रख सकते हैं, ठीक है। ये डिजाइन हमारे पास बन के आ गया। अभी देखो जो हम यहाँ पे रिंग में जो डिजाइन बनाएंगे वो इसमें से ही बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे देखो। वापिस से मैंने यहाँ पे कंट्रोल जेड किया, ठीक है। अभी सारी लाइनें मेरी यहाँ से रीबिल्ड है ना पहले ही, हाँ। अभी देखो यूजर कलर मैं दूसरा ले लेती हूँ यहाँ से, यूजर कलर मैंने यहाँ से कोई भी ले लिया, ये वाला ले लिया, ठीक है। इस लाइन का मैंने यहाँ से ले लिया ऑफसेट, यहाँ से मैं बोथ साइड कर दूंगी इसको, और ले लिया मैंने 0.3। सेम इस बोथ साइड, सेम इसको भी बोथ साइड 0.3 का डिस्टेंस लिया मैंने, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। अभी देखो इन सारी लाइनों को मैं यहां से कर दूंगी पाइप, कैप राउंड और डायमीटर मैंने दे दिया यहां से 0.3, एंटर एंटर। ये हमारे पास देखो ये कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे डिजाइन बन के आ गया जो अभी हम अपनी रिंग में यूज करेंगे, ठीक है। अभी देखो इसको मैं वापस से कंट्रोल जेड करती हूँ, ठीक है। ये मेरे पास कर्व आ गए और इन सब को मैं यहाँ पे ग्रुप कर लेती हूँ, ठीक है। अभी जो रिंग थी उसकी जो लाइन निकाली थी वो ले लेती हूँ मैं, कर्व बहुत ज्यादा हो गई है, इनको मैंने यहाँ से ग्रुप है ये मेरे अलाइन सेंटर 0 एंटर, सेंटर में ले आऊंगी, जितने मुझे चाहिए होंगे लूंगी, बाकी मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगी। एंड पॉइंट बोथ साइड शिफ्ट प्रेस करके इसको मैं दूसरी तरफ मिरर कर लूंगी, ठीक है। अभी इनको मैं यहां से कर दूंगी स्प्लिट, दिस दिस एंटर, ये मेरे स्प्लिट हो गए, ये मेरे ग्रुप है, इनको मैं यहां से अनग्रुप करूंगी। स्प्लिट नहीं हुए क्या ये, इनको मैं काम कर देती हूँ, इनको मैं यहां से ट्रिम ही कर देती हूँ, ठीक है। ट्रिम यहां से मैंने इनको ट्रिम कर दिया, एक ही बात आप स्प्लिट कर लो या ट्रिम कर लो। और एंटर, ठीक है। ये ग्रुप है इनको अनग्रुप किया, और ये वाला पार्ट यहां से डिलीट, और ये वाला पार्ट यहां से डिलीट, ठीक है। ये डिजाइन मेरे पास यहाँ पे बन के आ गया, ठीक है। ब्लू कर अभी ऑफ किया, ठीक है। इन सब को मैंने यहाँ पे कर देना है पाइप 0.3, ये मेरे पास बन के आ गया यहाँ पे। अभी ब्लू कलर ऑन कर लेती हूँ मैं अपना, और रिंग रेल है वो भी ऑन कर लेती हूँ प्रोस्पेक्टिव व्यू में, ठीक है। अभी देखो एक बारी के लिए मैं ये इस लाइन को, मैंने ब्लू कलर की लाइन ऑल्ट प्रेस करके मैं यहां पे रख दूंगी, यहां पे दूसरी तरफ इसको मिरर कर लूंगी। एक बारी के लिए मैं इसका यहाँ पे डायमीटर देख लूंगी कितना है,
और मैं यहाँ पे इसका डायमीटर देख लेती हूँ एक बारी के लिए। ये है मेरे पास यहाँ पे 2.65, ठीक है, तो 2.65, ठीक है। अभी देखो, इसको मैंने यहां से कर दिया सॉलिड, एक्सट्रूड प्लेनेट कर्व स्ट्रेट, सॉलिड नो, और 2. इसमें हम 2 mm और ऐड कर देंगे, 2.65 है ना, 3.65, 4.65, ठीक है। यहां पे मैंने इसको कर दिया 4.65 डिवाइड बाय 2, एंटर, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसमें हम 1 mm की गैपिंग इस तरफ छोड़ देंगे और 1 mm की इस तरफ, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, ठीक है। अभी इसका मैंने यहाँ पे कर दिया ऑफसेट सरफेस ऊपर की ओर 1.5, एंटर एंटर, तो बोथ साइड हो गया वो ऊपर की तरफ 1.5, एंटर एंटर, ठीक है। अभी इसको मैंने यहाँ पे कर्व में गई और यहाँ से डुप्लीकेट एज निकाल लिया एक, एंटर। इसको मैं यहाँ पे कर दूंगी ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस 1 mm, ये हमारे पास 1 mm की हमें लाइन मिल गई राइट व्यू में। इसको मैं दूसरी तरफ मिरर कर लूंगी, ये दोनों तरफ आ गई मेरे पास। इसको मैं यहाँ पे लोफ्ट से सरफेस बना लूंगी, ओके, ठीक है। ये एक मेरे पास यहाँ पे सरफेस बन के आ गया। इसको मैं यहाँ पे कर दूंगी ऑफसेट सरफेस बोथ साइड यस, और इसको मैं यहाँ पे ले लूंगी 0.5, एंटर एंटर, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कर दूंगी इसके साथ बुलियन डिफरेंस, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे बाउंड्री आ गई, इनको मैं यहाँ पे कर दूंगी फ्लिट एज 0.45, एंटर, ठीक है। इनको हम यहाँ से बाउंड्री को फ्लिट कर लेंगे, देखो, ठीक है। अभी हम इनको यहाँ पे फ्लो करा लेंगे, ठीक है। ये वाला कर्व, सेंटर वाला कर्व कहाँ चला गया, इसी को ले आऊंगी मैं। इसको मैं यहां से कर दूंगी अलाइन 0, एंटर, ये हमारा सेंटर में ले आई और इसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अभी इसको इन सब को पहले मैं यहां पे ग्रुप कर लेती हूँ, इनको मैंने यहाँ पे ग्रुप कर लिया, ठीक है। अभी ट्रांसफॉर्म ग्रुप को सिलेक्ट किया, फ्लो अलोंग कर्व, यहां से मैंने ये अपना ब्लू कर्व सिलेक्ट किया और जिसके ऊपर हमने फ्लो कराना है वो वाला कर्व सिलेक्ट कर लिया, ये उसके ऊपर हमारा यहाँ पे फ्लो होके आ जाएगा। उसके बाद हम इसको यहाँ से अप कर लेंगे, देखो ये हमारा फ्लो होके आ गया। इसको मैं यहां से अभी ले रही हूँ 1 mm अप, देखो अभी भी और ऊपर लेना है हमें इसको, इसको मैंने यहां से लिया 0.3 अप, देखो एक बार एक चेक कर लेंगे ये इसमें पूरा मर्ज हो रहा है, देखो मर्ज इसमें, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। फ्रंट व्यू में ये हमारा ग्रीन वाला पार्ट है और ये हमारा मेटल है, यहां से ये 0.5 कटा हुआ है, इतना ये इसके अंदर है, ठीक है।
थोड़ा सा आपको और डाउन लेना है तो आप इसको और नीचे ले सकते हो। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट किया, सॉरी इसको सिलेक्ट किया -0.1 डाउन। देखो अब ठीक है ये। हाइड कर दूंगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।